अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई, कितनी मकार औरत है, ये बता रही है सुबह में उठ के कि मैं थोड़ा लेट नाश्ता करती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड आ गए थे, बच्चों को छोड़ दिए, पिटारा भूल गई कहाँ से आ गए थे। इससे एक दिन वाले पहले वाले वीडियो में तो तूने दिखाई थी कि हस्बैंड यहीं पर सो गए, लेट हो गया, आया छोड़ नहीं रही है। तू भूल गई कि कल ही तूने दिखाई थी, और आज तू बोल रही है हस्बैंड आ गए, फिर बच्चों को छोड़ने चले गए, फिर वापस वहीं चले गए, फिर लेने के लिए जाएंगे तो फिर यहाँ पे आएंगे। अरे कितना झूठ बोलती है, झूठ बोले बिना तो पेट ही नहीं भरता। और बोल रही है मैं थोड़ा लेट नाश्ता करती हूँ। तू लेट नाश्ता नहीं करती है, तू लेट उठती है, और तेरे मुँह से दिखता है, जो पूरी तू चाइना दिखती है ना, चाइनीज़, उससे समझ में आता है कि तू बस जस्ट सो के उठी है, वो भी दोपहर के 2 बजे, बच्चों के स्कूल के आने के टाइम पे। और झूठ ऐसे बोलेंगी ना जैसे पता नहीं ऑडियंस तो बस बेवकूफ़ है। हाँ है भाई, है तेरी ऑडियंस। अच्छा, आप लोगों को याद है ना, ये आए दिन है ना, हफ्ते में हफ्ते वाले दिन जिस दिन स्कूल रहेंगी ना, उसके एक दिन पहले बोलती है कल स्कूल है, मैं जल्दी सो रही हूँ, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है। तो बताओ, अगर ये बच्चों को स्कूल भेजती है तो दिखाती क्यों नहीं है? बच्चों के आने के टाइम पे ये नाश्ता करती रहती है, आके बोल देती बच्चे स्कूल चले गए थे। मतलब कि जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये खुद अपने बच्चे नहीं देख रही है, कोई फ़र्ज नहीं निभा रही है, कोई काम नहीं करती है, किस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हो कि ये पूरा पूरा दिन सोए रहे, जाके पानी में छलांग लगा लगा के कपड़े चिपका के अपना जिस्म बताए, बिना दुपट्टे के मीटअप करके आदमियों में चिपके, ये सब के लिए आप लोग सपोर्ट कर रहे थे इसको? वाह, ये तो शुरू में बड़े डायलॉग मारती थी, मैं मेरे बच्चों को यहाँ पढ़ाऊँगी, ये सिखाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बच्चों को स्कूल तक के नहीं भेजती है, क्या बच्चों के पीछे कर रही है, बाल तक के ट्यूशन टीचर बना के भेजती है, कर क्या रही है ये बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सिंपत्ति ली थी ना कि मेरे बच्चे बड़े मतलब तकलीफ़ में आ गए भाई कौतर के आने से, किस चीज़ की सिंपत्ति दी है वो आप लोगों ने? बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ये नहीं उठती है, इसको फिक्र नहीं रहती है। फार्म हाउस पे सुबह सुबह निकलना है, अब देख लेना, फार्म हाउस जाने के लिए फ़ौरन उड़ जाएंगी, फिर इसको नींद भी नहीं आएंगी खुशी के मारे कि मुझे पानी में जा के ना कूदना है, जैसे जीजा को फंसाने के लिए कूदी थी ना वैसे, पता नहीं अब किसको फंसाएंगी, लेके जाएंगी ना रमज़ान को, उसको खुश करेंगी, बच्चों के लिए फिक्र नहीं है, बच्चों के लिए नहीं उठेंगी। घटिया औरत, पता नहीं कितने टाइम के बाद मैं आयत को लेके बैठी थी कि मैं तुम्हारे ऑयलिंग कर देती हूँ, और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ये झूठी आके बोलती है हमने ये काम कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए, एक ऑयलिंग भी करेंगी ना, बच्चे की गर्दन दिखा रही है सामने कैमरा करके, अपनी दोनों जांग दिखा रही है कि मैं बिना मतलब आगे कपड़ा रखे कैसे फैल के बैठी हूँ, और फिर बच्चे की मसाज दिखा रही है मैं कैसे उसके सर में ऑयल कर रही हूँ, और फिर बाल उसके बना लेने के बाद में उसकी चोट दिखा रही है कि पहले यहाँ पे लगी थी सर पे, अब यहाँ पे लगी है, और उससे पूछ रही है ये कहाँ लगी आपको, कैसे लगी? सोचो कितनी अच्छी माँ है ये, ये बच्चों के नाम पे जो सिंपत्ति ली थी, इसको ये तक नहीं पता है कि इसके बच्चे को चोट कहाँ लग गई, और मतलब के बच्चे को कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी तो हो सकता था ना, सर फट सकता था, टाके वाके आ सकते थे, या उससे ज़्यादा भी बुरा हो सकता था। जो माँ बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, तो ऐसी माँ को किस चीज़ की सिंपत्ति, किस चीज़ की सपोर्ट कर रहे हो, जिसको यही नहीं पता है कि उसके बच्चे को चोट कहाँ पर आई है? सोचो ये कितनी ज़्यादा काम चोर, और वो बोलते हैं ना बिना फिकर के जी रही है, जिसको बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं है, उस तरह की औरत है ये। कंटेंट तो इसका इतना भारी रहता है जिसकी कोई हद नहीं है। पहले बताती है मैं बॉयल एग खा रही हूँ, चाय ले रही हूँ नमक डाल के, फिर बताती है मैं फ्रूट खा रही हूँ, रोटी छोड़ दी हूँ ना, बार बार भूख लगती है, पिटारा तो कोई, तो लग रहा है एक दुनिया में तू ही इंसान है ना, बाकी सब रोबोट है, उनको पता ही नहीं है कि रोटी छोड़ने से बार बार भूख लगती है, या तेरे पास कंटेंट नहीं है, और ऐसे भी तू दिन रात भर ठूस ठूस करती है, फिर बोलती है मेरा वज़न बढ़ गया है ना, मेरा वज़न कम था बढ़ गया है, अरे जब काम की ना काज की दुश्मन अनाज की है, तू दिन भर खाने के अलावा काम क्या है तेरे को? और बेशरम इसी चीज़ को अगर ये दिखाती कि मैंने इस तरह से फ्रूट काटी, फिर इस तरह से फ्रिज में रखी, ठंडा करी, फिर मैंने इसको खाई, तो सोचो एक क्लिप पूरी बन जाती, लेकिन ना इसके घर में तो भाई नौकर है ना, तो बस खाते हुए दिखाना है, मैं ये खा रही हूँ, मैं वो खा रही हूँ, अंडा बॉयल होके ऑटोमेटिकली आ गया, फ्रूट कटे हुए ठंडे करके ऑटोमेटिकली आ गए, बस मेरा यही कंटेंट है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ठूस रही हूँ और खा रही हूँ,
और फिर मैं मोटी होते जा रही हूँ। लेकिन मोटी क्यों हो रही हूँ मैं? क्योंकि वॉक नहीं करने जा रही हूँ ना। अरे सारी दुनिया की औरतें हैं ना, घर के काम करती है वॉक के बदला, लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ ठूसा कर और गेम किया कर और अय्याशियाँ किया कर। वैसे प्लानिंग और प्लॉटिंग कितनी ही अच्छी करती है ना। गोंचू ने आके इसको बोला, रेडी हो जाना, एक दावत है, जाना है, फिर बोलना मत कि हम तो टाइम पे रेडी नहीं थे, तो रेडी हो जाना। पूछ रही हैं किसने दावत दिया? वो बोला है कोई, ऐसे तो बहुत लोग दावत देते हैं, मैं तो नहीं जाती किसी के घर पे। बोला घर पे नहीं जाना है, रेस्टोरेंट जाना है। तो रेस्टोरेंट में भी तो कितने लोग बुलाते हैं, हम तो नहीं जाते। अरे पिटारा, तू इतनी भूखी और भुक्कड़ औरत है कि तुझे कोई फुटपाथ पे भी बुलाएंगा ना खाने के लिए, तो वहाँ पे भी चली जाएंगी। झूठी मक्कार, इतने लोग बुलाते हैं, मैं तो नहीं जाती। तुझे तो गली में भटकते रहती है आवारा की तरह, कोई समझता भी नहीं है और पूछता भी नहीं है कि तू है कौन, पहचानता ही नहीं है कोई। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि लोग हमें बुलाते, हम तो नहीं जाते। मक्कार कहीं की, हर किसी से यहाँ तक के टिफ़िन तक के ले लेती है भिखारन, और बोल रही है हम तो नहीं जाते किसी की दावत में। दावत आई है इसी को, इन लोगों ने सारी प्लानिंग की है कि हम जाएंगे, लेकिन हाँ अम्मा के नाम पे लेना था ना व्यूज़, अम्मा के नाम पे व्यूज़ चाहिए थे, तो इसने इस चीज़ को ना प्लानिंग करके कंटेंट बना ली कि चलो तुम्हें ना इससे बोलना, फिर मुझे सरप्राइज़ की तरह दावत में लेके जाना, फिर मैं वहाँ पे ना ओवर एक्टिंग करूँगी और फिर मैं थंबनेल लगा दूँगी अम्मी ने सरप्राइज़ दिया, ताकि लोगों को ये लगेगा कि पिटारा की अम्मी आ गई है सऊदी से। देखो ये कितनी ज़्यादा भूखी है व्यूज़ की, और कितना मिसलीडिंग ये करती है, थंबनेल लगाती है लोगों को, मतलब बोलते हैं ना झूठ बोल के वीडियो दिखाती है कि मेरी अम्मी आ गई है। हमेशा मैं बोलती हूँ ना, एक कौतर, अब उसका बच्चा भी ऐड हो गया है, एक इसकी माँ और एक सलमा, इन चारों के अलावा ना इसको कोई नहीं देखता। उनका नाम नहीं लेंगी, उनके नाम पे झूठे झूठे कंटेंट बना के थंबनेल नहीं लगाती है ना, तब तक के इसको कोई नहीं देखता। इतनी कोई ये मक्कार औरत है, और इसके अंदर क्या टैलेंट है वो तो मैंने आपको बता ही दी। अभी एग खा रही हूँ, फिर फ्रूट खाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी, फिर चाय पीऊंगी, फिर कावा पीऊंगी, ये है इसका कंटेंट। आई बड़ी झूठी मक्कार, इतनी एक्टिंग कर रही है, कहाँ लेके जा रही हो बताओ तो सही ना, कौन से सब्सक्राइबर हैं? ओ मुस्तफ़ा, कहीं तुम्हारी बर्थडे तो नहीं सेलिब्रेट करने वाले? केक क्यों लेके जा रहे हैं? आज इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है मुस्तफ़ा कौन होगा? मुझे नहीं पता, मतलब कि बच्चों से भी झूठ बुलवा रही है, खुद भी ओवर एक्टिंग की दुकान एक्टिंग कर रही है। अरे भाई पिटारा, हमें सब पता है, तू है ना जब तलब के खुद परमिशन नहीं देती है ना, गोंचू टॉयलेट भी नहीं जाता, और तुझे लगता है कि हम ये समझ लेंगे कि ये तेरे लिए सरप्राइज़ था? बिल्कुल भी नहीं पिटारा, तू कितनी चालू औरत है ना, हमें अच्छे से पता है। पहले गोंचू को फ़ोन आता है जो तेरा सेक्रेटरी बना हुआ है दल्ला, फिर वो तुझे बताता है ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, जाना है नहीं जाना है, तेरी दोस्ती चल रही है दुश्मनी चल रही है, फिर तू डिसाइड करती है हाँ जाना है, हाँ बोल दो या ना बोल दो, हाँ मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैंने किसी और को टाइम दी हूँ कि नहीं दी हूँ। जब ये गोंचू को बोलती है ना हाँ मेरे पास है टाइम, हाँ बोल दो, तब गोंचू सामने हाँ बोलता है। सरप्राइज़ कैसे दे सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये तो डेट बाटी हुई रहती है, अब कहाँ पे कैसे वो तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी एक्टिंग मत कर पिटारा, ओवर एक्टिंग की दुकान। अच्छा हलीमा को भी इसने वापस बुला ली और बोल रही है हलीमा आ गई, अच्छा हलीमा आ गई, मतलब कि अगर मान ले इसकी बात कि वो गोंचू की ही वाइफ है, तो गोंचू यहाँ पे इसके पास में हलीमा को भी इसने बुला ली जो उसकी माँ थी, वो गाँव चले गई, तो फिर कौसर के पास में कौन है? वो अपने छोटे बच्चे को लेके अकेले ऐसे एरिया में रह रही है जहाँ पे पीछे इतना खुला मैदान है, आगे सड़क है, कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई पहचान वाला, कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं है, वो अकेले बच्चे को लेके घर में रह रही है। सोचो यार कि तुम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, ऐसी डायन औरत को जो एक छोटे बच्चे के साथ में औरत को अकेले घर में छोड़ दी है और गोंचू को खुद लेके घूम रही है। पहले तो इसको ड्राइवर का मसला था ना कि ड्राइविंग करने वाला कोई नहीं है, अब तो रमज़ान भी है, ये खुद भी गाड़ी चला लेती है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि जो छोटे बच्चे की माँ है इसको गोंचू को टाइम देना चाहिए, उसके पास रहना चाहिए पूरा दिन रात, एक आध दो घंटे के लिए इधर आ जाए, वो भी साथ में कौसर को लेके आए, टाइम स्पेंड करे फिर चले जाए, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है, फिर तुम लोग ने सिंपैथी किस चीज़ की दिए थे? देख लो कि उसका छोटा बच्चा हो के भी गोंचू इसी के साथ में दुमछल्ला बन के फिर रहा है,
तो किस चीज़ का जुलूम हुआ था भाई इसके साथ में? तुम लोग जो सपोर्ट कर रहे, तुम लोग औरतें हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलादों के सामने है ना कौसर के ऐसी ज़िंदगी आए, ऐसा ना हो कि तुम लोगों के सामने कौसर के ऐसी ज़िंदगी आए, अल्लाह तुम्हारे आगे लेकर आए। तो सपोर्ट करना है ना, थोड़ा अल्लाह का डर रख के करो। ये घटिया औरत को सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, जो बोली थी कि मेरे साथ में जुलूम हो गया। जुलूम किसके साथ हो रहा है दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? नालायक औरतें। कौतर की जगह ये रहती ना तो सारों के चीखे निकलती, गालियां भर भर के देते गोंचू को, बद्दुआएं देते, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इसको चाटते हैं तो डॉलर बनते हैं ना। लकड़ी लाना थे तुम लोगों के ऊपर। यहाँ तक के बाद में ये गोंचू को लेके दावत पे चले गई। वहाँ से इन लोग आधी रात को वापस आए अय्याशी करके, जब तक के भी कौसर घर पे अकेली थी। क्यों? कौसर को नहीं ले जा सकते थे? अब बोलेंगे वो डिलीवरी में है, तो डिलीवरी के बाद भी देख लेना ना कौन सा कौसर को इन लोग साथ में ले लेके घूमते। बल्कि ये गाड़ी में बैठ रही थी तो बोलती कौसर को भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? अगर कौसर के साथ वो कहीं पे जाता बिना पिटारा को बोले तो सोचो कितनी कयामत आती इसकी ज़िंदगी में भी और वाइटी पे भी। लेकिन कौसर को नहीं बोले, चलेगा भाई। मतलब के दोगलापना यहाँ पे साफ नज़र आता है। कौसर को ना साथ में ले जाया गया, ना उसको बोला गया, ना उसको बताना ज़रूरी समझा गया, और अकेले उसको वहाँ पे सुमसान जगह पे फेंक दिया गया है। वह पिटारा भरेंगी तू, बिल्कुल भरेंगी, सूझ समेत भरेंगी। और रही बात वो दावत की, तो पहले ही बोल रही है कि मैं दावत खा के कम्युनिटी पे चैनल नहीं लगाती हूँ, पहले भी ऐसा हो चुका है, मैं नहीं लगाती हूँ। तो देख लो ये किसको कितना आगे बढ़ाती है, कितनी अच्छी नीयत है और कितना ये साफ दिल की औरत है ना, वो दिखता है। फिर गोंचू ने बोला कि उनका चैनल नहीं है। बोलती हाँ हाँ हम 8 बजे पहुँच जाएंगे। देखो जरा कितनी नालायक औरत है नहीं। बाकी ये जो बोलती है ना मैं कम्युनिटी पे नहीं लगाती हूँ, तो सच में ये कम्युनिटी पे नहीं लगाती है, सिवाय उनको जो इसकी गंदगी को ढाकते हैं, जो इसकी गंदगी को सपोर्ट करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, और जो इसके पेड सपोर्टर है उनको तो ये बराबर लटका देती है कम्युनिटी पे। हाँ लिंक नहीं लगाती है उनका, लेकिन जाहिर सी बात है नाम लिख देती है तो लोग जाके सर्च तो कर ही लेते होंगे। दिमाग तो ये कितना लगाती है आप लोगों को पता ही है, कितनी शातिर औरत है। और बोलती है मैंने शुरू से किसी को कम्युनिटी पे नहीं लगाई। फिर है ना खानदान में झगड़े होते हैं, अरे पिटारा तू वो औरत है जो तू चाहती है कि बस मैं ही आगे बढ़ूँ। जब तू लोगों को ये बोल देती है कि मेरे से पहले वीडियो मत डालना तो तू किसी खानदान वाले को कम्युनिटी पे लगाएंगी? अरे तू जल कुकड़ी औरत है, फसादन औरत। दावत भी ना तुझे फ्री में खाने के लिए चाहिए भुक्कड़ कहीं की मोटी संडी। अच्छा इन लोग जब वहाँ पे दावत में पहुँचे तो पता नहीं इरफान भाई, फिर वो जो इसकी सिस्टर की सिस्टर है वो, और भी 2-3 जने, सब जने बोल रहे थे हमें साजिद भाई ने कॉल किया है, हमें नहीं पता, साजिद भाई ने हमें बुलाया है। मतलब के जब इन लोग गाड़ी में बैठे तो इसने बोली कि कौसर को भी नहीं बताया है कि हम दावत पे जा रहे। मतलब के कौसर को बताना भी ज़रूरी नहीं समझे, लेकिन उन लोगों को फ़ोन करके गोंचू ने बोल दिया कि उधर आ जाओ। सारा कुछ प्री प्लान नज़र नहीं आ रहा आप लोगों के? सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एक कौसर है जिसको पिटारा कोई भी सेलिब्रेशन में कभी भी शामिल नहीं करती है। और देख लो कि वो जो इसके बंदे हैं, जो जो इसके मतलब वो छुप और आगे का समझ जाओ बने रहते हैं, वो सब जने थे। सिर्फ कौसर को इसने, अगर साजिद के हाथ में रहता ना तो वो कौसर को भी ज़रूर लेके जाता अगर वो उसकी बीवी है तो, लेकिन उसने कौसर को नहीं बोला। इन लोगों को फ़ोन करके बुला लिया, वहाँ पे इतनी सारी तैयारियाँ किए और क्या बना रहे, मना रहे 1 मिलियन की सेलिब्रेशन। वाह क्या ड्रामा करती है पिटारा, कंटेंट के लिए ना ड्रामा करना, प्लानिंगे करना तो कोई तेरे से सीखे। और अब आप लोग बताओ क्या कौसर इसकी बीवी है, या ये प्लानिंग और ये सारा कुछ जो हुआ है ये पिटारा ने नहीं की है? आप लोग खुद सोचो, ये सब ड्रामा था। वो आंटी जो आई थी इससे मिलने के लिए, जो अम्मा बनी हुई है इसकी, उसको देख के पहले शॉकिंग वाला एक्टिंग करी, फिर बाद में गोचू को दी कैमरा के लो शूट करो मैं गले मिलती हूँ, फिर उसको लगा नहीं मिले गले, एक और बार गले मिलती हूँ। पिटारा क्या लगता है, समझ नहीं आती हमें कि सब फेक ड्रामा है तेरा, और तू यही कर सकती है क्योंकि रियल लाइफ तो तेरी सिर्फ और सिर्फ धोखा झूठ फरेब से भरी हुई है, तो तू ड्रामा करके ही ऑडियंस को चू बना सकती है। बाकी वो अम्मी ने खाना खिलाई, सरप्राइज़ दी, केक लेकर आई, इतना इसका ढेबरा भरी फ्री में, तो बोल रही है कि आपने अम्मी होने का पूरा फर्ज निभाया है। मतलब इसको खिलाओगे पिलाओगे, इसके पीछे अय्याशियाँ करवाओगे, इसको
पैसे लुटाओगे इसके आगे, चैनल नहीं होगा आपका, तो आप इसकी अम्मी हो, समझ में आया? हाँ, अगर आपका चैनल है, कम्युनिटी पे लगाना है या शाउट आउट देना है, तो फिर ही आप इसके कोई भी नहीं हो, मतलब के हराम का, फ्री का खाने का इसको। और देखो जरा, इसको खिलाएंगे तो इतने फर्ज निभाइए अम्मी होने का। अरे वैसे पिटारा, किसी को भी मुंह उठा के अम्मी बोल देना, किसी को भी मुंह उठा के बहन बना लेना, काम निकल जाने के बाद बोलना मुझे तो धोखा दिए, मुझे तो यूज़ करने की कोशिश की है। अरे बस कर दे पिटारा, शर्म कर थोड़ी सी। वैसे पिटारा, जो तू बार बार बोल रही थी कि वो जो आंटी थी उन्होंने अपना पूरा फ़र्ज निभाया, माँ होने का फ़र्ज निभाया, उससे पहले तूने एक डायलॉग बोली कि मैंने नजमा आंटी को गेस्ट हाउस छोड़ के आ गई, तो यहीं से आप लोग खुद मतलब ये बात समझ सकते हो, सोच सकते हो कि उसने तो माँ होने का फ़र्ज निभा दी, लेकिन तूने बेटी होने का फ़र्ज निभाई, तूने उसको घर पे लेकर आई, तूने उसकी खिदमत करी, तूने उसकी मेहमान नवाजी करी, गिफ्ट भी ले ली, इससे ट्रीट भी ले ली, दावत वगैरह उड़ा ली, सारा कुछ तूने ले ली चुपचाप। लेकिन तूने ये नहीं बोली कि नहीं, अगर आपने वहाँ पे पैसा वगैरह भरा भी है तो डूब जाने दो, लेकिन आप हमारे साथ में रहो, मुझे भी अपना फ़र्ज निभाने दो। यहीं से दिखता है पिटारा, तू कितनी ज़्यादा बेफिरावन औरत है, तू कितनी ज़्यादा हलकट और भुक्कड़ औरत है। दूसरों तेरे साथ में फ़र्ज निभाना चाहिए, लेकिन तू किसी के साथ फ़र्ज नहीं निभाएंगी, जबकि अपने मुंह से बोल रही है कि वो औरत 30 साल से इस्लामाबाद नहीं आई है, उसके रिश्तेदार रहते हैं, बुलाते हैं तो भी वो नहीं आती है, वो मेरे लिए आई। तो यहाँ पे तेरा फ़र्ज बनता था, गोंचू का फ़र्ज बनता था कि तुम लोग उसको अपने घर में रखते, लेकिन हाँ तुम्हारे घर में कैसे कोई रह सकता है? एक तो तुम्हारे घर में इतनी गंदगी, ऊपर से तेरे तो इतने कांड रहते हैं घर में कि तू किसी को क्या घर में रखेंगी, कहीं तेरे कोई कांड ना ओपन हो जाए, इसके लिए तू तो रख ही नहीं सकती ना, गंदी औरत, शर्म तो आती नहीं है तेरे को। और एक बात के ऊपर आप लोगों ने ध्यान दिया, जब ये रमज़ान में सहरी करने के लिए गई थी तो इरफान आया था उधर अपने बच्चे लेके, तो शायद इसने ये जताई थी कि इसकी बीवी भी उसके साथ में है। और उसके बाद में कितनी बार इरफान आया है, कभी मॉल में मिला है, कभी दावत पे आया है, तो कभी सरप्राइज़, तो कभी ईदी, कभी क्या, कभी क्या, हर एक चीज़ में, हॉस्पिटल जाने के लिए, कौसर का बच्चा पैदा कराने, हर एक चीज़ में इरफान आया है, लेकिन उसकी औरत साथ में नहीं होती, उसकी बीवी साथ में नहीं होती है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ रहे हो जो कि हमने बताए थे कि वो साथ में क्यों नहीं होती है, मतलब कि वो डिलीवरी में है, अभी 40 दिन हुआ नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रही है, इसलिए वो साथ में इसके आती नहीं है, और बच्चा कौसर के पास है, वो तो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा तो है नहीं ना कि सिंगल फादर है, वो सिंगल फादर तो है नहीं वो, तो उसकी बीवी क्यों नहीं दिखाई देती है? जो एक बार दिखाई दी उसके बाद में फिर वो छुप गई, गायब हो गई, तो ये तो प्रूफ है भाई कि इरफान का बेटा है वो जो कौसर के पास में है, ना कि गोचू का है, ना कौसर का है, ना किसी और का है, वो इरफान का बेटा है। और इसकी बीवी नहीं नज़र आना ये बात को साबित करती है कि उसकी डिलीवरी हुई है, ना कि कौसर की। अच्छा, ये अनीता को और उसके हस्बैंड को पूछ रही है, तुम लोग दोनों में से कौन चलेगा साथ में, कोई एक जना चलो, एक जना घर पे रहो। तो ऐसा क्यों पिटारा, पूरी फैमिली को भी तो तू ले जा सकती थी, अब घर पे तो पीछे तुम लोगों में से कोई रहेगा नहीं ना, तो ताला मार के जा सकते थे तुम लोग, लेकिन नहीं, क्यों नहीं लेके जाना है? क्योंकि तुझे अनीता के बच्चे नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि तेरे बच्चों से उनकी जमती नहीं है, तेरे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है ना, तुझे लगता है कि वो गरीब बच्चे है, मेरे बच्चे मैं उनके साथ में क्यों छोड़ूं, जबकि आयत को कितना शौक है दूसरे बच्चों के साथ में खेलने का, लेकिन ये अपने बच्चों को उसके साथ में छोड़ती नहीं है। और वो जो हलीमा है उसको भी ये इतना ख़ास पसंद नहीं करती है, मीन्स के नौकर समझती है ना, ये अपनी तौहीन समझती है नौकर को साथ में कहीं पे इस तरह से अपने मतलब एकदम बाजू में बिठाना ना, ये तौहीन समझती है खुद की, जबकि खुद तो क्या क्या काम कर कर के यहाँ तलक के पहुँची है, उन लोग तो तेरे से 10 गुना ज़्यादा इज्जतदार है, तूने तो अपनी इज्जत को बेच के पैसे कमाए, ये लकदी लाना था तेरे ऊपर। फिर उनको बोल रही है दोनों में से एक जाएगा, तो जाएगा तो फिर वही जाएगा तेरे साथ में, है ना रमज़ान, क्योंकि उसी को तो दिखाना है तुझे पानी में कूद कूद के। हो सकता है अनीता को अब जिस तरह से उसका मुंह चढ़ा हुआ रहता है, तो अनीता उसको ना जाने दे और खुद चली जाए। बाकी एक चीज़ के ऊपर आप लोगों ने गौर किया, पिटारा का थोबड़ा देखो, वो अपने है ना चेहरे पे इंजेक्शन वगैरह कुछ ले रही है, जिसकी वजह से ना उसके चेहरे के ऊपर है ना पूरे जख्म जख्म
और अजीब सा चेहरा बना हुआ है। अगर आप लोग बोलो ना तो मैं कम्युनिटी पे लगाती हूँ उसकी पिक्चर, आप लोग देखो। इतनी बुरी तरह से उसका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे जल गया है। तो अल्लाह की राह में अगर रोज़ा खुलवाना है ना, तो ये बोलती है अल्लाह मुझे देगा ना तो मैं करूँगी, लेकिन इस तरह से पैसे को आग लगाना, अपने चेहरे की ट्रीटमेंट करवाना। अभी तो ये मैंने सुनी हूँ मोटापे की भी ट्रीटमेंट करवाने वाली है, पता नहीं वो कौन सा एक ऑपरेशन है या इंजेक्शन है, पता नहीं क्या है, वो भी ये करवाने वाली है। पहले होठ फिलर कराए, अब चेहरे पे इंजेक्शन ले रही है वाइटनर के और वाइटनिंग के, और अब ये मोटापा कम करने के लिए भी कोई बड़ा खर्चा करने वाली है। देख लो, इसकी मदद कर रहे थे ना, सपोर्ट कर रहे थे, ये सपोर्ट इसके लिए सपोर्ट कर रहे थे कि अपने आप को वो 2 टके की वैसी बन जाए और दिखाए, नुमाइश करे अपने जिस्म की और अपने हुस्न की। वाह, क्या सपोर्ट है तुम लोगों की। और ड्रामे सुनो भाई, इसके ऐसा फील हुआ जैसे अम्मी आई है, मुझे अम्मी की ज़रूरत थी और अम्मी आ गई, मुझे बहुत इमोशनल हो गई मैं जब भी अम्मी को फार्म वहाँ छोड़ के आ गई गेस्ट हाउस में। अगर तू सच में अम्मी समझती ना तो घर पे लेके आती, तो ये झूठे ड्रामे एक्टिंग करना तो तू बंद कर दे। बाकी 2 दिन के लिए ये फार्म हाउस पे है भाई, 2 दिन के लिए कौन जाता है। हाँ, जिनको बैठे बैठे हराम के पैसे मिल रहे हैं वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब सोचो 2 दिन के लिए जा रही है। याद है आप लोगों को सऊदी में भी ये जब फार्म हाउस का 2 दिन के लिए हमने लिए बोली थी, तो मैंने बोली थी ना कोई कांड होने वाला है, और फिर कांड कितने एक आध या 2 महीने के बाद में सामने आया था, तो बहुत जल्दी एक और कांड सामने आने वाला है। अब वहाँ पे किसी और ने ये फार्म हाउस का, मैंने तो यही सुनी हूँ, कल पता चला है मुझे कि किसी और ने ये फार्म हाउस का और ये सारा कुछ खर्चा कर रहा है, जितने भी गाड़ी वगैरह दिया है ना इसको, वही ये सारा कुछ कर रहा है। अब वो अंकल हो या जो मैंने बताई थी जो मीटअप पे चिपक चुपक कर रहा था ग्रीन कोट वाला, वो हो, तो पता तो चल ही जाएगा। आप लोगों को पता ही है ना कि इसकी गंदगी ना ये कितना भी छुपाए छुपती नहीं है, लेकिन ये फार्म हाउस वाला जो ड्रामा है ना, ये है ना, इसको किसी ने पूरा ये करके दिया है, कोई इसको ट्रीट दे रहा है। ट्रीट मतलब कि बस इसके पीछे कोई बेशुमार पैसे खर्चा कर रहा है, और बहुत जल्दी वो सब भी सामने आ ही जाएंगे। तो चले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।